गाड़ी का टायर पंचर होना पता नहीं क्या फिक्स ही है। अरे यार सीरियसली यार, हमेशा ऐसा ही होता है। तो यही वो घाट है जहाँ पे हम सुबह निकले थे यहाँ से। नींद तो आ रही है यार बेटो, थक भी गया हूँ यार, 200 किलोमीटर गाड़ी चलाई यार। सो गाइस, अभी सुबह के 5:15 बज रही है। चेरिश फिलहाल सो ही रहा है, मैडम रेडी हो चुकी है और हम लोग जा रहे हैं कहीं। लेट्स सी हम लोग आज कहाँ जा रहे हैं। सो गाइज, अभी देखिए सुबह सुबह का टाइम है, सुबह की 5:30 बज रही है अभी। और रास्ते पे देखा जाए तो देखिए, जितना आपको दिख रहा है उतना ही मुझे दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है अभी फिलहाल। और हम निकल चुके हैं अभी कहीं पे, बताते हैं आपको आगे इस वीडियो में कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं आखिर। सो धीरे धीरे अंधेरे से उजाले की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, सूर्य बल अंधेरे से उजाले की ओर। हालांकि अभी काफी दूर जाना है और कहाँ जाना है ये आपको वहाँ थोड़ा पहुँच के थोड़ा उजाला हो जाए फिर बताते हैं एग्जैक्टली हम लोग जा कहाँ रहे हैं आज। तो सुबह सुबह के व्यू बहुत ही प्यारे आएंगे यहाँ पे। फिलहाल सूरज उगा नहीं देखते, सूरज उगने का भी एक छोटा सा व्यू दिखाएंगे, बहुत प्यारा व्यू आएगा। सो गाइस, अभी सुबह हो चुकी है, सवेरा हो चुका है, उजाला हो चुका है। फिलहाल सामने का एक व्यू दिखाएंगे आपको, बहुत ही प्यारा व्यू आता है यहाँ का, तो देखना कितना अच्छा लुक आएगा। आज अनफॉर्चुनेटली फिलहाल चेरिश हमारे साथ में नहीं है, लेकिन हम लोग वापस घर जाके भी कंटिन्यू करेंगे ब्लॉग को, तो चेरिश वापस होगा। आई नो आप लोग अगेन चेरिश को मिस कर रहे होंगे। सो मैडम, कैसा लग रहा है सामने का व्यू? अभी मैं आपको भी दिखाती हूँ कि सामने का व्यू कितना अच्छा लग रहा है, और हम लोग जहाँ जाएंगे वहाँ भी आपको दिखाएंगे कि व्यूज, जो भी अच्छे व्यूज आएंगे हम आपको जरूर दिखाएंगे। तो गाइज, ये है रतनगढ़ का घाटा, देख सकते हैं आप कितने मोड़ हैं यहाँ पर, और पहाड़ भी आप देख सकते हैं। जैसे जैसे हम लोग घाटा ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, देखो ये चट्टाने, पहाड़ बोल सकते हैं इन्हें, लेकिन चट्टाने टाइप दिख रही है बिल्कुल। और जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाएंगे नीचे का शहर हमें साफ दिखता जाएगा, देखते हैं हमें सूरज का भी कोई अच्छा व्यू मिलता है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि हम जैसे जैसे ऊपर चढ़ेंगे तो नीचे का व्यू हमें क्लियर दिखेगा, पूरा शहर हमको प्रॉपरली दिखता जाएगा। तब प्यारा व्यू आ रहा है, इतना प्यारा व्यू। अभी का व्यू जो दिख रहा है वो ऐसा लग रहा है हम बद्री विशाल केदारनाथ की जो चढ़ाई चढ़ते या पहाड़ होते हैं वहाँ के, वैसा व्यू लग रहा है यहाँ पर। घाटा समाप्त हो चुका है। सो फाइनली घाटा हमने पार कर लिया है। आज मेरा काम नहीं है, आज मैडम का काम। आज मैडम के काम के लिए हम लोग सुबह सुबह जा रहे हैं। जिस तरह से मैडम भी आपको वेल ड्रेस्ड दिख रही है, उससे पता चल रहा होगा आपको कि मैडम के स्कूल का कुछ काम है। तो लेट्स सी, अभी भी हम वहाँ जाके देखते हैं, आपको बताएंगे फिर वहाँ पहुँचने के बाद में कि एग्जैक्टली सीन क्या है। रोड तो काफी अच्छा था, सीन काफी अच्छे थे, और सुबह सुबह का जो होता है ना खुला खुला वातावरण, उसकी तो बात ही कुछ और बेहतरीन। तो ये देखिए गाइस, सूरज की पहली किरण अब दिख चुकी है। हालांकि सूरज उग गया था बहुत देर पहले, लेकिन बादलों में छुपा हुआ था और दिख नहीं रहा था। सुबह सुबह का लुक बहुत ही प्यारा आता है। और ये हमारे साथ पता नहीं क्या ही कनेक्शन है, गाड़ी का टायर पंचर होना पता नहीं क्या फिक्स ही है। अरे यार सीरियसली यार, हमेशा ऐसा ही होता है, पता नहीं क्या है, कभी कहाँ का टायर पंचर होता है, कभी कहाँ का टायर पंचर हो जाता है। अभी फिलहाल देखो, किस्मत देखो कि पास में ही टायर की दुकान मिल गई है, और एक देखो बगीचा भी दिख रहा है जिस पर संतरे लग रहे हैं। सो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं गांव में जहाँ पे मैडम की ड्यूटी है। हालांकि मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकता क्योंकि थोड़ा गवर्नमेंट का काम है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में तो नहीं बता सकता कि मैडम कहाँ है और क्या हम लोग करने आए हैं। लेकिन हाँ, गाड़ी सही हो गई, गाड़ी सही होने के बाद हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। पीछे हैंडपम्प है, उखाड़ूंगा नहीं, टेंशन मत लो। सनी देओल की याद आती है, पानी भरा जा रहा है हैंडपम्प से। सो अभी मैं गाड़ी में आके बैठ गया हूँ, मैडम फिलहाल उनकी ड्यूटी कर रही हैं। सो अभी मुझे यहाँ पे बहुत देर तक बैठना पड़ेगा क्योंकि फिलहाल अभी बज रहे हैं 9 और मैडम की ड्यूटी चलेगी 2 बजे तक। 2 बजे तक मेरे पास में कोई टास्क नहीं है, 2 बजे तक मैं ऐसे वेला बैठा रहूंगा। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि जिस जगह में हूँ, जिस गाँव में हूँ, थोड़ा उसको एक्सप्लोर करेंगे, आपको भी दिखेंगे कि क्या है यहाँ पे, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ पे दिख तो रही है, उसको भी चेकआउट करते हैं। सो फिलहाल जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ ऐसा पूरा खुला खुला एटमोसफेयर है, चारों तरफ खुला ही खुला है, और वो हैंडपम्प है जहाँ पे मैं बैठा हुआ था अभी। सो गाइस, अभी हम लोग निकल चुके हैं वहाँ से, मैडम की ड्यूटी पूरी हो चुकी है, और जैसा मैंने कहा था कि दिन की 2 बज जाएगी, तो मैडम को एग्जैक्ट दिन की 2 बजी और हम वहाँ से निकले हैं अभी जस्ट। और अभी रास्ते में बहुत अच्छे अच्छे व्यू दिख रहे हैं थोड़े थोड़े, और जैसे कि ये, बाकी तो मैडम का जो काम था वो थोड़ा गवर्नमेंट का काम था, इसलिए ज्यादा डिटेल में उसके बारे में बता नहीं सकते थे। सो मैडम का एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैडम से पूछते कैसा लगा, पहली बार मैडम ने ऐसी कोई ड्यूटी की है? यस, पहली बार मैं स्कूल से इतने दूर आकर मैंने ड्यूटी की है, मेरे लिए कुछ नया था, मुझे नया कुछ सीखने को मिला,
और सीरियसली ड्यूटी करके बहुत मजा आया और हमको टाइम पास करके, क्योंकि हमारे पास कोई काम ही नहीं था, हम सिर्फ वेले बैठे हुए थे। हालांकि मेरे क्या बैटरी बहुत लो हो रही है अभी भी, मैं उस टाइम भी सोच रहा था कि यार क्या करूं, वीडियो लूं नहीं लूं, और मुझे क्या टेंशन ही हो गई कि गाड़ी वहाँ पे बंद हो गई फिर से, तो मुझे क्या वहाँ पे डर ये लग गया कि अरे यार ये गाड़ी बंद क्यों हो गई, तो मैं आधा तो टेंशन में ऐसे ही रहा, इसलिए ब्लॉग वहाँ पे करने की फिर मेरी इच्छा ही नहीं हुई, यही डर रहा कि कभी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो। लेकिन गाड़ी की प्रॉब्लम जो है वो तो क्लियर ही है, धक्का मार। पर मुझे पता नहीं कि अंदर से लग रहा था कि नहीं हो जाएगी, मैं बिल्कुल लाइट ले रही थी उस बात को, क्योंकि मेरा ध्यान कहीं और था उस वक्त। तो यही वो घाट है जहाँ पे हम सुबह निकले थे यहाँ से, और अभी देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से। सो गाइस अभी देखो मैं जस्ट घर पहुंचा हूं और आके आते सीधा लेट गया हूं, क्योंकि कंटिन्यू गाड़ी चलाना ऑलमोस्ट 90-100 किलोमीटर्स का जर्नी था, जाना अलग आना अलग, कुल मिला के 180-200 किलोमीटर्स की जर्नी थी। चेरिश को लेके नहीं गए क्योंकि सुबह सुबह उठ के गए थे, चेरिश को उठाया था आपने देखा ही था, लेकिन चेरिश को लेके नहीं गए। तो अभी बोल रहा मुझे उठाते मैं भी चलता, चलता क्या करता वहाँ चल के, आपने भी क्या किया वहाँ पे चल के? वैसे मैंने भी कुछ नहीं किया, वैसे देखा जाए तो मैं भी वहाँ बैठा था, चेरिश बैठता हाँ, पर चेरिश होता तो मेरा टाइम बहुत अच्छा रहता और शायद ब्लॉग वहीं पे कंप्लीट हो जाता, पर मुझे लगा कि यार चेरिश को लेना जरूरी है और घर पे आएंगे उसके बाद ही ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे, तो अब इसलिए फिलहाल घर पे तो आ चुके हैं। यस, अभी थोड़ा सा रेस्ट करने की सोचते हैं। सो जाओ सो जाओ, इतना रेस्ट कर लो, सो जाओ। इतना रेस्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मतलब अभी रेस्ट कर लो। तो अभी पापा गाइस सो चुके हैं, तो यहाँ पे पापा प्रोई शायद अभी सो जाएंगे क्योंकि उनकी आंखों से दिख रहा है, देखो सो जाएंगे है ना। सोने की इच्छा नहीं हो रही क्योंकि मुझे वीडियो एडिट भी करना है ये वाला, और मुझे रात में डांस 10 बजे तक वीडियो डल जाएगा मेरे हिसाब से, नहीं डल सकता क्योंकि मुझे शाम को डांस सिखाने जाना है, इसलिए मुझे एडिट तो अभी करना पड़ेगा। सुबह मैं सच्चे कितने बजे उठाऊँ, 4 बजे उठाऊँ आज। तो आप 1 घंटे सो जाओ या 2 घंटे सो जाओ? 1 घंटे 2 घंटे सो जाऊंगा तो एडिट कब करूंगा, एडिट बज गई है 5:30, 2 घंटे सो जाऊंगा तो 7:30 बज जाएगी, आधे घंटे में कोई वीडियो एडिट होगा कि मुझे 8 बजे डांस करने आना है। ये भी है लस्सी, लस्सी चाय, पापा सो पाते हैं या नहीं? लस्सी धीरे धीरे से तो नींद आ रही है। नींद तो आ रही है यार, बेटो थक भी गया हूँ यार, 200 किलोमीटर गाड़ी चलाई यार। सो जाओ मेरी तरफ से तो, 1 घंटे सो जाओ या 2 घंटे सो जाओ। अरे बेटा एडिटिंग करनी पड़ेगी ना यार, चक्कर पड़ जाएगा यार, थोड़ी देर सो जाओ फिर उठ जाओ, फिर नींद आ जाएगी यार बहुत तेज। सो गाइस यहाँ पे मम्मा प्रोहित पापा के साथ ही आ गई थी, और सोते कैसे ये मैं बताती हूँ, देखो 5 मिनट में मेरे को नींद आ जाएगी। एक्सपर्ट आए हैं अब, एक्सपर्ट सोने में एक्सपर्ट आए हैं, जिनको लेटते ही नींद आ जाती है वो एक्सपर्ट आए हैं, लेकिन पापा नहीं सोएंगे, पापा इज डीट, पापा नहीं सोएंगे, मम्मी सो जाएगी अभी, मम्मा को एडिटिंग नहीं करनी है ना इसलिए, पापा को एडिटिंग करनी है। आधी घंटा वेट कर लो ना, वैसे भी इतनी दूर से गाड़ी चला के आए हो। 5:30 बजे सोने की कोशिश की थी और अभी फिलहाल बज रही है 6:15, नींद करना ना करने के बराबर हो गया, रीजन सोया, फोन पे फोन आ गए, कभी किसी का आया कभी किसी का आया, नींद ही नहीं हो पाई, सोचा फाइनली उठ ही जाते हैं। कोइंसिडेंस देखो, ये भी अभी आया जस्ट बाहर से खेल के, पापा को सुला के बाहर चला गया खेलने, मुझे नींद आ गई थोड़ी देर के लिए। नींद आ गई कितनी बजे? अभी देर सामने तो उठा हूँ, 20-25 मिनट्स भी नहीं सोया हूँ, थोड़ी देर तो सोने में लग गई और नींद आई तो बार बार कॉल आने लग गए, मैंने सोचा चलो उठ ही जाते हैं फाइनली, क्या मतलब सोने से। सो अभी इस वीडियो को एंड भी करना है और एडिट भी करना है, तो आज के वीडियो को इतने रखते हैं, थोड़ा सा सुस्त लग रहा हूँ लेकिन हाँ जोश बरकरार रहेगा क्योंकि अभी मुझे एडिटिंग भी करनी है इसलिए। सो आज के वीडियो को यही एंड करते हैं, मुझे आज का वीडियो पसंद आएगा, आज का वीडियो पसंद आए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करके ना, चैनल पहली बार और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना इस तरह के और भी ब्लॉगिंग वीडियो देखने के लिए। सो तब तक के लिए दिस तरह अलॉन्ग विद साइनिंग ऑफ, बाय बाय, नींद वाला। Peace.